महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा गेहूं की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना वर्ष 1975 में प्रारंभ हुई। 2014-15 से इसमें फसल सुधार एवं किस्म विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के तहत विभिन्न बुआई परिस्थितियों के लिए उन्नत कम अवधि तथा सूखा सहनशील किस्मों का विकास करना, नवीन तकनीकों का विकास करना तथा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से तकनीकी प्रसार करना है। विगत 5 वर्षों 2015-16 से 2019-20 के दौरान गेहूं की विभिन्न उन्नत किस्में जैसे HI 8737, पूसा अनमोल, DBW 110, HI 8713, पूसा मंगल, राज 4238, HI 8759, HI 8663 पोषण, DBW 187, HI 1620, HD 3086 और जौ की 4 किस्में RD 2786, RD 2899, RD 2907 और BH 959 किस्मों को कृषकों के लिए जोन 4 ते की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में सम्मिलित किया। फसल उत्पादन के अंतर्गत 4 विभिन्न तकनीकें विकसित की गई। इनमें गेहूं में चौड़ी एवं सकड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए विभिन्न रसायनों की संस्तुति एवं दाना बनते समय तापमान में बढ़ोतरी के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए कृषि रसायन कैल्शियम क्लोराइड 0.2% एवं पोटेशियम क्लोराइड 0.1% का बूट पत्ती अवस्था एवं बाली निकलने की अवस्था पर पर्णीय छिड़काव उत्पादन वृद्धि में सहायक है। साथ ही परियोजना के तहत किसानों के खेतों पर 88 एकड़ गेहूं एवं 60 एकड़ जौ के प्रदर्शन लगाए एवं TSP कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं के 132 एकड़ के प्रदर्शन लगाए गए। इसमें राज 4079, राज 4238, HI 8759, HD 4728 किस्मों एवं जो की BH 959, RD 2899 एंड DWRB 137 जैसी उन्नत किस्में प्रयुक्त हुई। विगत 5 वर्षों में परियोजना के द्वारा फसल सुधार इकाई के अंतर्गत चपाती व काठिया गेहूं के 31 व जो के 15 परीक्षणों तथा फसल उत्पादन इकाई में गेहूं के 21 एवं जो के 12 परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इन सभी परीक्षणों का विश्वविद्यालय स्तर पर एवं ICR द्वारा गठित निरीक्षण टीम के द्वारा निरीक्षण होता है। परियोजना के राष्ट्रीय मुख्यालय IIWBR करनाल के द्वारा आवंटित 7 अंतर्राष्ट्रीय एवं 13 राष्ट्रीय नर्सरीज को संचालित किया। इनके प्रयोग से नवीन किस्मों के विकास हेतु प्रतिवर्ष संकरण का कार्यक्रम क्रॉसिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। गेहूं के लगभग 500 से अधिक क्रोसेस एवं जो के 100 क्रोसेस बनाए गए। इनकी विभिन्न संततियों में चयन कर अच्छे जीनोटाइप को स्थानीय ट्रायल्स में जांचा जाता है ताकि उन्नत किस्मों को विकसित किया जा सके। विगत 2 वर्षों से उदयपुर केंद्र को गेहूं के जीनोटाइप को अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षण करने का कोटा प्राप्त हुआ और केंद्र द्वारा 3 जीनोटाइप परीक्षण के लिए भेजे और इस वर्ष 4 जीनोटाइप भेजे जाएंगे। परियोजना के तहत 8 MSc व 3 PhD विद्यार्थियों को शोध कराया गया। शोधकर्ताओं एवं कृषकों के लिए परियोजना के वैज्ञानिकों के द्वारा 30 से अधिक शोध पत्र, 3 किताबें, 20 तकनीकी आर्टिकल्स, फोल्डर आदि प्रकाशित किए।